गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। शाम को देखो साइकोलॉजी प्लस मैथ की क्लास आती है, उसे भी आप लोग देखा करो, जिससे कि आपकी मैथ इंप्रूव हो जाए। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता ना, ट्रिक्स के साथ बता देता हूँ, कम से कम कुछ क्वेश्चन तो कर ही दोगे अटेम्प्ट, मतलब डर कम हो जाएगा आपका, इतना डर नहीं रहेगा। इसमें से बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। एक चीज़ याद रखना, लिंग केवल दो ही हैं हिंदी में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अगर संस्कृत की बात करोगे तो उसमें तीन लिंग हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसमें से पूछ रहा है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, मतलब क्या होगा पुल्लिंग हो। गिलहरी स्त्रीलिंग है, कोयल है, मक्खी है, खरगोश क्या है आपका पुल्लिंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। दही याद रखना हमेशा पुल्लिंग होता है, हमेशा क्या दही पुल्लिंग है, मगर गलती कर जाओगे आप लोग। व्याकरण याद रख लेना, ये भी पुल्लिंग है, इन दो को याद रख लेना, कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें। नेक्स्ट, भिन्न उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे, शब्द के आदि में, संस्कृत में 22 उपसर्ग। और एक चीज़ याद रखना, उपसर्ग की जो मात्रा होती है ना, वो छोटी मात्रा लगती है, इसकी वजह से आप बहुत सारी शब्द शुद्धि सही कर लोगे, इस चीज़ को पॉइंट को याद रख लेना। अति इसमें है, और इसमें भी अत्यधन इत, इसमें अत्यधनश, इसमें क्या है आ, इसमें अउपसर्ग, बाकी सब में क्या उपसर्ग है, अति, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, ए। नेक्स्ट, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि पूछ रहा है। प्रत्यय आपके कहाँ लगते हैं, पीछे, शब्द के कहाँ लगते हैं, पीछे। एक चीज़ याद रखना, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। किसकी अशुद्धि पूछ रहा है, प्रत्यय की अशुद्धि पूछ रहा है, मतलब अशुद्ध तो सभी हैं, अनुग्रहित में ये री लगता है तो ये भी अशुद्ध है, मगर इसमें प्रत्यय की अशुद्धि नहीं है। अधीन होता है तो ये भी अशुद्ध है, बड़ा नहीं है, पत्नी, पत्नी तो बड़ी होती है ना, तो ये भी अशुद्ध है। अब देखो सौजन्य होता है, इसमें ये ता प्रत्यय है ना, देखो सौजन्य में या प्रत्यय क्या है, या ता एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो ता नहीं माना जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बताना है। तो देखो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर होती है, पांच प्रकार की। भाववाचक संज्ञा भी पांच प्रकार से बन जाती है, ठीक है। तो देखो हरा, हरा सेब, मीठा आम, क्रोधी स्वभाव, मगर हंसी क्या है, ये भाव है, ये तीनों क्या है, ये तीनों विशेषण है, क्या है, विशेषण, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी बहुवचन बन जाए तो वो चीज़ किस में चली जाती है, जातिवाचक में। अगर आपके भाववाचक का बहुवचन बना दो, जैसे हंसी का हंसियाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, अब बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखो नृत्य हो रहा है, नृत्य हो रहा है, देह अच्छी है, अकल अच्छी है, अदालत अच्छी है, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये क्या है, पुल्लिंग है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो देखो ये बहुत ही छोटी सी बारीकी है इसमें, भाई साहब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, को उच्छाभास में ना छोटा शाह बनता है, ये शाह बनता है केवल, उसकी वजह से ये आधा शाह बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, रोगियों के लिए सेवा करने की इच्छा। तो देखो दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, एक तो ये क्वेश्चन कि क्या कहते हैं, और एक शुद्ध अशुद्ध पूछता है, तो बहुत ज़्यादा पूछता है ये शुद्ध अशुद्ध में। शुश्रूषा, पहले देखो शु ऐसे लिखना, फिर श्रू ऐसे लिखना, बड़े ऊ की मात्रा, ये शाह की गलती करते होगे, ऊ ये मात्रा की गलती करते, पहले छोटी फिर बड़ी, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी होगा। नेक्स्ट, इसमें से पुल्लिंग बताना है। तो देखो क्या होगा पुल्लिंग, सुबह हो गई, सजा हो गई, चश्मा अच्छा है, चश्मा क्या है, अच्छा है, तो आंसर क्या है, डी। और बाकी तीनों क्या है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, अब इसमें से बताना है कि भविष्यकाल का कौन सा भेद नहीं है। तो देखो संदिग्ध में क्या बताता हूँ मैं, होगा, ठीक है। भविष्यकाल कितने भेद होते हैं, तीन, तो ये तीनों तो हैं, मगर ये संदिग्ध भविष्यकाल में नहीं आता। भविष्यकाल के बारे में आप संदेह से कैसे कह सकते हो, संदिग्ध नहीं हो सकते, संभाव्य हो सकता है। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो आश्रित उपवाक्य किसके बनते हैं, मिश्र वाक्य के बनते हैं। मिश्र वाक्य के कितने बनते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, ठीक है। अब देखो सूरज पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम से क्या और से क्या हो गया, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य तो होता ही नहीं आश्रित, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यह वही छात्र है जो जिसका जिसकी जिसके, ये दोनों आ जाए ना तो ये क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, बाकी ये जो बच गया ये क्रिया विशेषण है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो राम 5 बजे के बाद ही घर पहुंचता है, विधेय का विस्तार बताना है। तो राम क्या हो गया इसमें, उद्देश्य, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक बच गया, पहुंचना क्या हो जाएगा, पहुंचना हो जाएगा विधेय, और विधेय का विस्तार क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला, 5 बजे के बाद ही घर, 5 बजे के बाद ही घर, आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा विस्तार, किसका, विधेय का। नेक्स्ट, हम सबकी प्रार्थना, कह रहा था ना बहुवचन कभी आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, जातिवाचक में, आंसर क्या हो जाएगा, ए, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट,
तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सह संबंध सर्वनाम बताना। सर्वनाम के भेद कितने छः, कौन कौन से, पुरुष निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न निश्चय। संख्या कितनी है सर्वनाम की, 11। तो देखो तेते क्या है, ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है और सह संबंध पूछा है इसमें, सह और संबंध, तो जेते हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी। तेते क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक में जो सो वो भी आता है। नेक्स्ट, सचिन राहुल से श्रेष्ठ तर खिलाड़ी है। विशेषण की तीन अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा, ठीक है। तो श्रेष्ठ तर, तो देखो ऐसे याद रखो, मध्यमावस्था, मूलावस्था, देखो इसे क्या कह सकते हो आप, उत्तरावस्था भी बोल सकते हो, उत्तरावस्था, मध्यमा की जगह क्या बोल सकते हो, उत्तरा। अगर यहाँ श्रेष्ठतम होता, श्रेष्ठतम, तो हम करते उत्तमा, श्रेष्ठ होता तो हो जाती मूला, अब ये श्रेष्ठ तर है तो क्या हो जाएगी, मध्यमा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है उभयलिंगी कौन सा है, तो डॉक्टर क्या होता है, उभयलिंगी होता है ना, ठीक है। अब ऐसे समझो, इंग्लिश में ना चार तरीके के जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कौन सा होता है, कॉमन, तो एक कॉमन जेंडर में आता है इंग्लिश के। जैसे देखो हिंदी में दो लिंग होते हैं और संस्कृत में तीन तरीके के होते हैं, इंग्लिश में चार तरीके के होते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, इस वाक्य में निपात बताना है, निपात 9 तरीके का होता है, पहले तो ये याद रखो। अब देखो केवल इसमें जो अतिरिक्त बल प्रदान कर रहा है ना, ऐसे बोल दो मुझे 10 रुपये चाहिए तो भी 10 ही रुपये देगा, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, इसे न बोलने से कोई मतलब निकल रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जिसे हटाने से कोई अर्थ चेंज ना हो वही निपात है, तो आंसर हो जाएगा बी, ऐसे निकाल लेना, या जो अतिरिक्त बल प्रदान करता है उसी से निपात कहते हैं। इसमें से बताना है कौन सा विलोम नहीं है, तो देखो उपसर्ग का क्या होगा, परसर्ग हो जाएगा, या क्या हो जाए, प्रत्यय हो जाए, विसर्ग तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। आक्रमण का प्रतिरक्षा, आक्रमण कर रहा है तो तुम रक्षा करोगे। संगठन, जैसे RSS वालों का संगठन है ना, तो विघटन, विच्छन, अविच्छन, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से विदेशी शब्द बताना है, विदेशी कौन सा, तो देखो पीपा क्या है, पुर्तगाल का, और पुर्तगाल का क्या है, तम्बाकू, और क्या है बताओ, पपीता, और क्या बताओ, अलमारी, और चाबी, गमला, ये सब इसके, और ये घेवर, झगड़ा, ताला, लोटा, अंटा, और पगड़ी, खिड़की, ये सब बताना किस भाषा के बताएं मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है इसका, उपकृत शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताना है, तो किए गए उपकृत को मानने वाला उसे होता है कृतज्ञ, और न मानने वाले को कहते हैं कृतघ्न। जो ऋण मुक्त हो गया वो ऋण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ऋण, तो क्या बच गया, जो जिस पर उपकार किया गया उसे कहते हैं उपकृत। नेक्स्ट, अनिल सो रहा है, बाकी में क्रिया बतानी है, तो सोना क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है, क्या होती है, अकर्मक। अब मैं पूछूं क्या सो रहा है, तो आप कहोगे कि क्या से क्या आंसर दूं, कौन सो रहा है ये तो जवाब दे सकते हो, क्या सो रहा है इसका जवाब दे सकते हो नहीं, और जिसका जवाब नहीं दे सकते वो होती है अकर्मक, ठीक है, आंसर होगा एक। संजय फुटबॉल खेलता है, अब मैं पूछूं क्या खेलता है, तो फुटबॉल आ रहा है ना आंसर, तो सकर्मक है, नहीं आता तो अकर्मक हो जाती। नेक्स्ट, इसमें से गुणसंधि कौन सी है, तो एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या बताया था, गुणसंधि में कितनी मात्रा आती है, एक मात्रा आती है, एक मात्रा यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ भी आ रही है, अब यहाँ नहीं आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वृद्धि। अब आप एक काट सकते हो, बच गए ये तीन, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मगर एक चीज़ याद रखो, अब मैं चलो आज आपको नियम बताता हूँ, आ के बाद अगर घोष वर्ण आए तो जो विसर्ग होता है ना, क्या होता है विसर्ग, ये ओ में बदल जाता है, देखो पफ भ म तथा दध न त थ द, तीन चार पाँच क्या होते हैं घोष, तो ये घोष है, ये घोष है, ठीक है, तो त और ता क्या होता है, ता आपका घोष होता नहीं, तो ये वाला, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे किसके, विसर्ग के। किसका आंसर बताया मैंने आपको, सर्वतः धनमुखी, रजह धन दर्शन, बाकी आपका गुण में कौन बच गया, बाकी पुरुषोत्तम बच गया, ऐसे निकाल लेना। अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट टाइम दोबारा समझाऊंगा, फिर आ जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। लता छादित, लता से आच्छादित, तो क्या हो जाए, करण तत्पुरुष। तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है, दो, कौन कौन सा, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समाज के भेद कितने होते हैं, चार, किसके आधार पर, आपके पदों की प्रधानता के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, छः, ये भी याद रखना, ठीक है। अब वही भाव समाज का पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद, इनका बहुवचन नहीं बनता, ये याद रखना, ठीक है। और कभी आ जाए यमुना के पार, हिमालय पार, उस समय हमेशा अव्ययीभाव लगा के आना, ये के तो दिख रहा है कहीं से, ऐसा मत जोड़ देना, तत्पुरुष समाज में जोड़ दो, हिमालय पार, यमुना पार, गंगा पार, इन सब में अव्ययीभाव होता है। कभी भी सब पुरुष, सब राता, ये सब आ जाए तो बहुबली लगा के आना, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, उसे मत बुलाओ, बाकी बाकी के आधार पर ना, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है, सॉरी 8 प्रकार का होता है, ठीक है, तो इसमें से निषेध वाला है, आंसर है ए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है, याद रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है
क्या हो गया इसमें? अरे यार ये क्या हो गया? सॉरी एक सेकंड वेट करिएगा, हैंग हो गया शायद। हाँ चलो वीडियो चल रहा है, बढ़िया रहा, नहीं तो फालतू दोबारा बनाना पड़ता। उसे मत बुलाओ, इसमें क्या है, निषेध है। ठीक है नेक्स्ट। देश के लिए मर मिटने वाला लड़का कैसा, कौन सा लड़का? देश के लिए मर मिटने वाला क्या लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है पदबंध आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण, वैसे ना अंडरलाइन करके देगा, मैं इसे ऐसे देख लें, देश के लिए मर मिटने वाला कौन लड़का, तो संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट। हमहूँ कहब अब ठाकुर स्वाति, मतलब हम भी अब ठाकुर को स्वाति बातेंगे। ठाकुर क्या होता है, जो पैसे देता था पहले, मतलब आपको पैसे देता था जैसे कि आपसे कुछ ब्याज लेता था, तो चापलूसी करते थे ना ठाकुर की, उसे पैसा मिलता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट। अब देखो किस देश, हाल ही में किसी देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री ये बनाया गया, किसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसके पहले फादर जो थे ना वो भी इसी डिपार्टमेंट के हेड थे, तो आंसर याद रखना डी। अब देखो मनसुख मांडविया ये किसके बने, ये बने हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है ये याद रख लेना। अब एक चीज़ और बताऊँ, एक आपको याद कौन सा रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ये बने आपके शिक्षा मंत्री। ठीक है याद रखना। अब ये बताना कि राज्य शिक्षा मंत्री कौन बनी है, ये बनी है औरत कोई। ठीक है तो ये नाम जरूर पूछा जाएगा राज्य शिक्षा मंत्री का। अभी देखो आपके मतलब इंडिया के अंदर कितनी मिनिस्ट्री हो गई, 41, पहले 40 थी, अब एक कॉपरेशन वाली और आ गई है, तो 41। कॉपरेशन वाली के हेड कौन है, अमित शाह, याद रखना। कॉपरेशन रिलेटेड 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, 2011 में, कब हुआ था 2011 में ये याद रखना। आपका जो है ना आर्टिकल 19 वो बताता है कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक और क्या याद रख सकते हो, आपका जो 9B है, 9B में भी कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखा गया है। ठीक है और 9A के बारे में कहाँ लिख, 9A में किसके बारे में लिखा गया है आप बताना। ठीक है आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट। AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, इसका होगा मुंबई और पुणे में, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। अमेरिका ने पाकिस्तान और किस देश को बाल सैनिकों की रोकथाम अधिनियम, मतलब बच्चों को क्या बना रहे हैं, बच्चों से लड़ाई लड़वा रहे हैं, बच्चों को बंदूक पकड़ा रहे हैं, तो ये तुर्की और ये जोड़े गए पाकिस्तान। अब ऐसा नहीं केवल लड़ाइयों में ही काम ले रहे हैं बच्चों का या लड़कियों का, देखो ये एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में यूज करते हैं इनका, इन्हें सेक्स स्लेव बना लेते हैं ये लोग, और इनसे क्या कराते हैं, ज़बरदस्ती कुक बना लेते हैं बच्चों को, तो ये सारे किस में आते हैं, ये सब आते हैं सैनिक बनाने में, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के नए वित्त सचिव कौन बन गए, मुख्य सचिव। तो देखो उत्तराखंड का क्या हो रखा है, उत्तराखंड को सुख नहीं मिल रहा, बताओ क्यों नहीं मिल रहा। अभी तीन तो यहाँ पर CM हो गए, तीसरे CM बने थे, अभी कौन बने, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। सामंत कौन बने, रॉके बने हेड। ठीक है विवेक कौन बने थे, एयर में कौन बने थे, एयरफोर्स कौन बने थे, ये आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, एक दोस्त से तो कम से कम सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को, कम से कम 50 व्यूज़ तो हम लेके आ ही सकते हैं इस वीडियो पे, इस टारगेट को पूरा करने में सहयोग दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।